वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चूज कर पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा भी पढ़ाई करते रहिए। आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। बच्चों, आज हम लोग औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र अर्थात लोकेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। क्षेत्र कहने का मतलब है यहाँ पे कपड़ा उद्योग, लोहा और कोयला उद्योग तथा आवागमन के साधन के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है, जिसके बदौलत औद्योगिक क्रांति तीव्र वेग से और आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो पहले हम लोग कपड़ा उद्योग के बारे में देख लेते हैं। यहाँ देखिए आप स्क्रीन पे कपड़ा उद्योग हेडिंग है और इसके इस क्षेत्र के अंतर्गत जो वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, शुरुआती वैज्ञानिक आविष्कार जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं औद्योगिक क्रांति को संपन्न करने में, उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए 1733 ईस्वी में जॉन की ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। ठीक है, फ्लाइंग शटल जिससे बिना हाथ के सहारे तीव्र गति से काफी चौड़ा कपड़ा बुना जा सकता था। समझ गए, ये है फ्लाइंग शटल का उपयोग, जिसे बिना हाथ के सहारे तीव्र गति से काफी चौड़ा कपड़ा बुना जा सकता था। 1765 ईस्वी में जेम्स हार्ग्रीव्स ने स्पाइनिंग जेनी का आविष्कार किया था। स्पाइनिंग जेनी का आविष्कार सूत काटने में ये यूज होता था और सूत काटने में तीव्रता ला दी इसने। समझ गए, 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट ने किसका आविष्कार किया, वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। समझ गए, अब ये क्या था वाटर फ्रेम। वाटर फ्रेम बच्चों जल शक्ति या पशुओं द्वारा चलाई जाने वाली सूत काटने की नई मशीन थी, जिसे कपड़ा उद्योग में क्रांति आ गई। समझ गए, 1779 ईस्वी में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पाइनिंग म्यूल का आविष्कार किया था। किसका, स्पाइनिंग म्यूल, जो बारीक सूत काटने वाली मशीन थी, बारीक सूत काटने वाली मशीन थी स्पाइनिंग म्यूल। समझ गए, 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, वाष्प शक्ति से संचालित इंजन। 1769 किसने किया, जेम्स वाट ने। बच्चों ये आविष्कार केवल कताई बुनाई तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका उपयोग छापाखाना, आवागमन के साधन और प्रायः सभी प्रकार के कल कारखानों में होने लगा, जिसे उत्पादन में अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया और इसी कारण बहुत से लोग जेम्स वाट को औद्योगिक क्रांति का पिता भी कहते हैं। समझ गए, 1787 में एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया। ये जल शक्ति से चलने वाला करघा था, जल शक्ति से चलने वाला करघा जिसका नाम पावर लूम रखा गया, उसका आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने 1787 ईस्वी में किया था। डेट्स जो दी हुई हैं आपकी पुस्तक में थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, डेट उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। लेकिन हाँ, किस तकनीकी का आविष्कार कौन कर रहा है ये जानना जरूरी है, इसे याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछ लिए जाते हैं। बच्चों अगला आता है लोहा और कोयला उद्योग। ठीक है, लोहा और कोयला उद्योग, अब आप ये समझिए कि मशीनों के आविष्कार से लोहे की आवश्यकता बढ़ गई और लकड़ी के कोयले के अभाव में लोहे का व्यवसाय मंदा पड़ता जा रहा था। समझ गए, लोहे का उपयोग बढ़ गया, पुल बनाने के लिए, लोहे का जहाज बनाने के लिए, तरह तरह के अन्य क्षेत्रों में भी लोहे का उपयोग बढ़ते गया। तो इसी के साथ साथ लोहे का कोयले का उत्पादन भी बढ़ाना पड़ा, क्योंकि कोयला जरूरी था इसके लिए।
अब लोहा बनाने के लिए पत्थर के कोयले का उत्पादन बढ़ाना जरूरी था। अधिक मात्रा में कोयला निकालने के लिए लोगों को नई नई खाने खोदनी पड़ी। और बच्चों होता क्या हुआ, क्या अंधेरे और विस्फोट, तब तो जो तकनीक थी उतनी एडवांस नहीं थी, तो अंधेरे और विस्फोट के कारण खानों में काम करना बहुत खतरा था। और 1815 में इसी दौरान हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। इससे क्या हो गया, सेफ्टी लैंप के कारण खानों में काम करना सुगम हो गया। बच्चों आप देखते होंगे जो खानों में मजदूर काम करते हैं, अपने सर पर एक लैंप लगाए रहते हैं, बांधे रहते हैं, जिससे उन्हें अंधेरे में अस्पष्ट तरीके से दिखाई देता है और काम करने में सहूलियत होती है। ठीक है, तो इस प्रकार 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। आगे आते हैं बच्चों, हम लोग आवागमन के साधन में परिवर्तन पढ़ते हैं। देखिए, स्थल मार्ग से सामान ले जाना महंगा था, खर्चीला था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि नहरों की खुदाई होने लगी। इंग्लैंड में नहरों का जाल सा बिछ गया, समझ गए। तो एक युग ऐसा आया कि कैनल परिवहन युग माना गया। इन दिनों जब नहरों की खुदाई अधिक मात्रा में होने लगी तो इसे कैनल परिवहन युग भी कहा जाने लगा, समझ गए। और 18वीं शताब्दी के अंत तक तो पूरे इंग्लैंड में नहरों का जाल सा बिछ गया, समझ गए। तो नहर काफी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे, सामान या कच्चे माल या तैयार माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, समझ गए। अब 1870 में फुल्टन ने वाष्प से चलने वाली एक नौका तैयार किया, ठीक है। फुल्टन ने क्या किया, वाष्प से चलने वाली नौका का आविष्कार किया जो घंटे में 4 मील चलती थी। धीरे धीरे वाष्पीय पोत का आविष्कार हुआ। पहले के जो जहाज थी, वाष्प से चलने वाली जहाज अधिक उन्नत थी। और सबसे पहले वाष्प से चलने वाली जहाज का नाम बच्चों यहाँ लिखा हुआ सवाना था, ठीक है। सबसे पहले वाष्प से चलने वाली जहाज का नाम सवाना था। 1819 ईस्वी में यह जहाज अटलांटिक महासागर में उतरी थी। कब उतरी थी, 1819 ईस्वी में यह जहाज अटलांटिक महासागर में उतरी। वाष्प चालित जहाज के आविष्कार से एक महादेश से दूसरे महादेश में जाने की सुविधा अधिक हो गई, अतः अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। बच्चों इसी दौरान पक्की सड़क बनाने का भी काम जोर शोर से शुरू हो गया। ईंट पत्थर और पिच की सड़कें बनने लगी। और आपको मालूम है कि सभी ऋतुओं में सड़क से वस्तुओं के परिवहन को स्वाभाविक रखने के लिए टेलफोर्ड एवं मैकडॉम ने ईंट पत्थर तथा पिच से सड़क बनाने की पद्धति का आविष्कार किया, ठीक है। यानी पिच से जो सड़क बनाने की पद्धति थी उसका आविष्कार मैकडॉम ने किया था, ये याद रखिएगा। इससे क्या हो गया, परिवहन व्यवस्था में क्रांति आ गई। परिवहन के लिए अब जो नई नई तकनीकें आ रही थी उसे इस क्षेत्र में बखूबी लागू किया जाने लगा। बच्चों रेल पथ रेलवेज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आपको पता है स्टीम लोकोमोटिव यानी वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1814 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1814 ईस्वी में, कौन किया था, जॉर्ज स्टीफेंसन ने, समझ गए। यह इंजन लोहे की लाइन पर 8 डिब्बों के साथ एक घंटे में 30 मील के वेग से चल सकती थी। और लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच प्रथम रेल पथ का निर्माण बना, ठीक है। तो रेल संपर्क स्थापित होने से क्या हो गया बच्चों कि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक कच्चा माल और तैयार माल को आसानी से ले जाने में सुविधा हो गई, समझ गए। और रेलवेज का महत्वपूर्ण योगदान हो गया यहाँ पे। और इंग्लैंड के बाद जर्मनी फ्रांस में भी रेल पथ का काफी विकास हुआ, समझ गए। और भारत में आपको पता है कि 1853 ईस्वी में रेलवेज को पहली बार चलाया गया था बॉम्बे टू थाने के बीच में, समझ गए। अब बच्चों स्वेज नहर के बारे में देख लेते हैं हम लोग, जो 1869 में बन गई थी। और 1869 ईस्वी में स्वेज नहर के बन जाने से औद्योगिक क्रांति तथा यातायात व्यवस्था में एक व्यापक परिवर्तन आया। पहले क्या होता था बच्चों, यूरोप से रूस या पूर्वी अफ्रीका जाने के लिए, ध्यान सुनिएगा, पहले यूरोप से रूस या पूर्वी अफ्रीका जाने के लिए पश्चिमी अफ्रीका से
उत्तमाशा अंतरिक्ष होकर जाना पड़ता था, जिससे काफी दूरी तय करनी पड़ती थी। मिस्र एवं सिनाई पेनिनसुला में मध्यवर्ती अंचल से नहर खोदकर भूमध्य सागर तथा लाल सागर के साथ जोड़ दिया गया, जिससे भारत तथा यूरोप की दूरी काफी घट गई। अतः यातायात और वाणिज्य व्यापार में सहजता आ गई। बच्चों, इस नहर की खुदाई 1859 ईस्वी में शुरू हुई तथा 10 वर्ष बाद 1869 ईस्वी में पूरी हो गई। यानी 1859 में शुरू हुई और 1869 में पूरी हो गई। तो इस तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को और सुगम बनाने के क्षेत्र में स्वेज नहर का काफी योगदान है। इस तरह हम लोगों ने जो वैज्ञानिक आविष्कार तथा आवागमन के साधन में परिवर्तन आए उसका अध्ययन किया। आज बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।